नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निहारिका महेश्वरी। बहुत ज्यादा सहनशीलता लग रहा है केंद्र की मोदी सरकार ने पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर दिखा दी थी, लेकिन अब कुछ समय के बाद ही केंद्र अब हरकत में आ गया है। नरेंद्र मोदी ने जो खालिस्तान का प्लान के एक्सपोज किया है, उसके कारण अमृतपाल सिंह के गुट में खलबली सी मच गई है। इस वक्त की खबर बड़ी ये है कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने डिजिटली रडार पर ले लिया है अमृतपाल सिंह को, और जिस तरीके से प्रो खालिस्तान मूवमेंट चल रहा है, उसको कुचलने का पूरा प्रयास किया जा रहा है ताकि भारत में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बने। खासतौर पर जो सीमावर्ती राज्य है और जो बॉर्डरिंग स्टेट है, खासतौर पर पंजाब में जिस तरीके से तनाव फैलाया जा रहा है धर्म के नाम पर। आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने 6 YouTube चैनल्स को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है। YouTube ने 48 घंटे के अंदर इन चैनल्स को ब्लॉक कर दिया है केंद्र सरकार की रिक्वेस्ट पर। ब्लॉक वो इसलिए हुए हैं क्योंकि विदेशी जमीन का इस्तेमाल किया जा रहा था भारत में हेट कंटेंट प्रचार और प्रसारित करने के लिए। ये एंटी इंडिया और प्रो खालिस्तानी चैनल्स थे जो पंजाबी लैंग्वेज में ऑपरेट करते थे, विदेशों से प्रसारित होते थे। अब ये पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिए गए हैं। 6 YouTube चैनल्स पर नकेल कस दी है मोदी सरकार ने। खुद सूचना प्रसारण सचिव अपूर्वा चंद्रा ने इस बात की पुष्टि की है। एक खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिथम्स को लेकर इस तरीके के हेट कंटेंट और विशियस कंटेंट और जहरीला जो कंटेंट है, जो तनाव फैला सकता है, भारत के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लेकर आ सकता है, दंगा बवाल कर सकता है, इस तरीके के कॉन्टेंट को यूट्यूब से आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है और स्वतः इस तरीके के ऑब्जेक्शनेबल कॉन्टेंट पर एक्शन लेने को यूट्यूब से बोल दिया है। आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरीके से अब अमृतपाल को लेकर सख्त हो गई है। अभी भी हम ऑस्ट्रेलिया के पीएम के साथ जो नरेंद्र मोदी ने मन साझा किया, उसमें कहा कि प्रधानमंत्री का जीरो टॉलरेंस है जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान मूवमेंट जो सर उठा रहा है और उसके कारण हिंदुस्तानियों को दिक्कतें हो रही हैं, वहां पर भी दिक्कतें हो रही हैं, और ऑस्ट्रेलिया ने इस बात को तुरंत सॉल्व करने के लिए और इसका तुरंत निस्तारण करने का दावा अपने दोस्त भारत को दिया। तीसरी खबर यह है कि इसी के तहत अब ये खबर आ रही है कि बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवानों का मूवमेंट पंजाब में बढ़ गया है ताकि जो बॉर्डर स्टेट है वहां पर तनाव ना फैले। और 48 घंटे के भीतर जो यूट्यूब ने काम करा है केंद्र सरकार की रिक्वेस्ट के कारण, वो वाकई केंद्र सरकार का एक बहुत बेहतर कदम है जिससे भारत में जो सिख भाई हैं वो तनाव की स्थिति ना फेस करें, ना चीजें रेडिकलाइज हों, और सिखों को किसी के खिलाफ और किसी भी भारतीय को सिखों के खिलाफ करने का अटेम्प्ट ना किया जाए।